हाय बच्चों, मेरा नाम राज पांडे। वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। देखिए, बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू एजुकेशन जो है, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का शिक्षा ठीक है, शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं हम लोग। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? वैदिक काल में शिक्षा के संगठन अथवा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वैदिक काल में शिक्षा के संगठन अथवा व्यवस्था का वर्णन कीजिए, इसका मतलब वैदिक काल में शिक्षा का व्यवस्था क्या था, संगठनात्मक रूप क्या था उसका। ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, फिर यहाँ अथवा में करके दिया हुआ है। वैदिक कालीन शिक्षा के स्वरूप कैसे थे उसके, वह शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करते हुए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों व आदर्शों पर प्रकाश डालिए। उसके उद्देश्य, उसके टारगेट, उसके फोकस किस पर थे, वह आदर्श क्या थे उसके। ठीक है, उस पर हम लोग को प्रकाश डालना। ठीक है, उत्तर करेंगे हम लोग। क्या है उत्तर? वैदिक कालीन शिक्षा हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? हमारी प्राचीनतम संस्कृति है, बहुत पुरातन युग की संस्कृति है। ठीक है, प्राचीन भारत की यह विशेषता रही है कि इसका निर्माण राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ। क्या हुआ है? प्राचीन भारत की यह विशेषता रही है कि इसका निर्माण राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में हुआ है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करता था। शिक्षा द्वारा व्यक्ति क्या करता था? धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करता था। इसी के आधार पर शिक्षा का अर्थ तथा उद्देश्य निर्धारित होते थे। शिक्षा का अर्थ तथा उद्देश्य क्या होता था? निर्धारित होता था। क्या निर्धारित होता था? भारत की शिक्षा पुरातन है। भारत की शिक्षा कैसी है? पुरातन है। ठीक है, प्राचीनतम काल में ही भारतवासियों ने शिक्षा के महत्व को समझ लिया था। क्या किया था? शिक्षा के महत्व को समझ लिया था उस समय ही। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा हम बताए हुए, इसके फलस्वरूप भारत में शिक्षा की व्यवस्था उस समय कर ली थी जब आज अपने को प्रगतिशील कहने वाले पश्चात देश पूर्वजों जंगलों में नग्न घुमा करते थे। भारत ने विशाल साहित्य को जहां एक ओर सुरक्षित रखा, वहां दूसरी ओर अनेक मौलिक विचारों को भी जन्म दिया। फिर से इस लाइन को हम रिपीट करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? प्राचीनतम काल में ही भारतवासियों ने शिक्षा के महत्व को क्या किया था? समझ लिया था। इसके फलस्वरूप भारत में शिक्षा व्यवस्था उस समय कर ली थी प्राचीनतम काल में ही, ठीक है, जब आज अपने को प्रगतिशील कहने वाले पश्चात देशों पूर्वज जंगल में नग्न घुमा करते थे। ठीक है, भारत ने विशाल साहित्य को जहाँ एक ओर सुरक्षित रखा, वहां दूसरी ओर अनेक मौलिक विचारों को भी क्या किया? जन्म दिया। वहां दूसरी ओर जो है अनेक मौलिक विचारों को भी जन्म दिया। क्या जन्म दिया? देखिए यहां देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ प्रो एफ डब्ल्यू थॉमस ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखे हैं प्रो एफ डब्ल्यू थॉमस जो है? शिक्षा भारत में विदेशी पौधा नहीं है। शिक्षा क्या है? भारत में विदेशी पौधा नहीं है, विदेश के द्वारा नहीं है, आया हुआ है। ये पुरातन समय से ही चला आ रहा है शिक्षा, और शिक्षा को भारत का जो है जन्मदाता भी कहिए, जो कहिए, आर्यभट्ट जो है यहीं से निकले, जो जीरो के शून्य के जन्मदाता हैं। ठीक है, तो शिक्षा जो है भारत में विदेशी पौधा नहीं है। विश्व में
कोई भी देश नहीं है जी, विश्व में कोई भी देश नहीं जिसने इतनी अस्थायी प्रभावशील शक्ति उत्पन्न की हो। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जितना भारत जितना जो है प्रभावशाली शक्ति उत्पन्न की हो शिक्षा पर। ठीक है, वैदिक युग में जो है कि साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग तक बांग्ला दार्शनिकों तथा शिक्षकों और विद्वानों का एक निवेश भारत में रह रहा है। भारत में जो है वैदिक युग से ही वैदिक युग से ही विद्वानों का एक गढ़ कहा गया है, इसमें रह रहा है। साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग तक बांग्ला दार्शनिकों तथा शिक्षकों और विद्वानों का एक निवेश भारत में क्या कर रहा है, रह रहा है। उस समय से ही वैदिक काल में शिक्षा को विद्या, ज्ञान, प्रबोध तथा विनय आदि शब्दों से प्रयुक्त किया गया था। वैदिक काल में शिक्षा को क्या किया गया था, विद्या, ज्ञान, प्रबोध। देखिए यहाँ किस किस पर किया गया था, विद्या, ध्यान दीजिएगा, विद्या, ज्ञान, प्रबोध, ठीक है, इस पर फोकस किया गया है। विद्या, ज्ञान, प्रबोध तथा विनय आदि शब्दों से प्रयुक्त किया गया था। शिक्षा को प्रकाश स्रोत एवं अशिक्षित व्यक्तियों को विद्या विहीन पशु कहा गया था। शिक्षा को क्या कहा गया था, शिक्षा जो है पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शन होता है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, बिना शिक्षा के हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और क्या होता है, ब्रेन का डेवलपिंग होता है, माइंड का विकास होता है, बुद्धि की विकास होती है। ठीक है, शिक्षा को प्रकाश स्रोत, प्रकाश पुंज, प्रकाश स्रोत एवं अशिक्षित व्यक्तियों को विद्या विहीन पशु कहा गया है। इलिटरेट पर्सन, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जिसको विद्या का ग्रहण नहीं है, जो विद्या का नॉलेज नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, उसको क्या कहा गया है, विद्या विहीन पशु का नाम दिया गया है। देखिए यहाँ विद्या विहीन पशु कहा गया है। ठीक है, शिक्षा को ज्ञान चक्षु, ज्ञान का चक्षु, चक्षु मतलब नेत्र, चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र। देखिए बच्चों, चक्षु मतलब क्या होगा, नेत्र। शिक्षा को ज्ञान चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र कहा गया है। महादेव जी का तीसरा नेत्र हुआ करता था, तो शिक्षा को जो है ज्ञान का तीसरा नेत्र भी बोला गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों, शिक्षा को दिव्य ज्योति कहा गया है। देखिए कितना शिक्षा पर फोकस डाला गया है, शिक्षा को बोला गया, शिक्षा कभी भी जीवन में बेकार नहीं जाती। ठीक है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। व्यक्ति उत्तम जीवन व्यतीत करने तथा मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। उत्तम जीवन जीने तथा मोक्ष प्राप्त करने में व्यक्ति क्या होता है, समर्थ होता है। अल्तेकर के सुंदर शब्दों में जो है, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। ये सब तो आप लोग भी जानते होंगे कि शिक्षा जो है पथ प्रदर्शक होता है, जीवन में उसका बहुत महत्व है। अल्तेकर क्या बोले हैं, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा क्या करता है, सच्चा पथ प्रदर्शन करता है, सच्चा पथ प्रदर्शन करता है, सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले क्या लिखे हैं, वैदिक काल की शिक्षा का तात्पर्य छात्रों में, वैदिक काल की शिक्षा का तात्पर्य क्या है, छात्रों में ज्ञान की ज्योति जगाना तथा चरित्र बल की स्थापना था। वैदिक काल की शिक्षा का तात्पर्य छात्रों में ज्ञान की ज्योति जगाना तथा चरित्र बल की स्थापना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर चैनल अच्छा लगे तो।
देखिए बच्चों, यहाँ वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था का संगठा संगठन, ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था का क्या है, संगठन क्या है, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था का संगठन क्या था। प्राचीन काल में भारत में 400 वर्ष पूर्व पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में जो है 400 वर्ष ईस्वी में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः अतः बालक की शिक्षा का दायित्व उसके परिवार पर ही था। बालक की शिक्षा का दायित्व उसके फैमिली पर होता था, परिवार पर ही हुआ करता था, ठीक है। परिवार किस पर हुआ करता था, परिवार पर, फैमिली पर, ठीक है। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने शिक्षा देने का कार्य समाज में प्रारंभ किया, कुछ ब्राह्मणों ने क्या किया, शिक्षा देना जो है समाज में प्रारंभ किया। इस प्रकार जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उसमें प्राथमिक व उच्च शिक्षा थी। इस प्रकार जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उसमें प्राथमिक व उच्च शिक्षा थी, ठीक है। इस प्रकार ब्राह्मण जब शिक्षा ग्रहण कराते थे तो उसमें एक प्रणाली विकसित हुई और वो प्राथमिक व उच्च शिक्षा कहलाई। प्राथमिक शिक्षा क्या थी, देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट नंबर, प्राथमिक शिक्षा क्या है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। प्राथमिक शिक्षा पर क्या था, ब्राह्मणों का आधिपत्य स्टार्ट तो किए लेकिन आधिपत्य उस पर नहीं था ब्राह्मणों का, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा आरंभ की आयु 5 वर्ष थी और विद्या आरंभ संस्कार से प्रारंभ होती थी। प्राथमिक शिक्षा की आयु कितनी थी, 5 साल, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 5 साल थी और विद्या आरंभ संस्कार भी वहीं से प्रारंभ होता था, 5 साल की आयु। यह सभी जातियों, देखिए यहाँ, यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य थी। किसके लिए अनिवार्य थी, देखिए यहाँ, अनिवार्य थी, ठीक है। फिर से ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा आरंभ की आयु 5 वर्ष थी और विद्या आरंभ संस्कार से प्रारंभ, यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य थी। इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, इस शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। बालकों को कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना व बोलना सिखाया जाता था। बालकों को क्या किया जाता था, इस अवधि को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का उच्चारण और बोलना सिखाया जाता था। इसके बाद साहित्य व व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। इसके बाद क्या किया जाता था, साहित्य व ज्ञान व व्याकरण का जो है उन्हें ज्ञान दिया जाता। शिक्षण विधि मौखिक थी, शिक्षण विधि कैसी थी, मौखिक थी, ठीक है। उच्च शिक्षा प्रारंभ, उच्च शिक्षा कैसे होता था, देखिए यहाँ, उच्च शिक्षा प्रारंभ में प्राचीनतम काल में केवल प्राथमिक शिक्षा थी। प्रारंभ में क्या थी, प्राचीनतम में प्रारंभिक शिक्षा ही हुआ करती थी, ओके बच्चों। लेकिन सामाजिक प्रगति के साथ साथ उच्च शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ में प्राचीनतम काल में केवल प्राथमिक शिक्षा थी लेकिन सामाजिक प्रगति के साथ साथ उच्च शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई। उच्च शिक्षा की भी मतलब लोगों को लगा कि थोड़ा सा उच्च शिक्षा भी होना चाहिए, उसका भी अनुभव होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य जाति को था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसको किसको था, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, ऐसे तो 4 कास्ट रहते थे, शूद्र भी हुआ करता था, लेकिन इन्हीं 3 जातियों को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का छूट थी, करने का अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति को था। इन जाति के बालक क्रमशः
8, 11, 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के बाद शिक्षण संस्था में प्रवेश करते हैं। इन छात्रों के बालक जो है, इन जाति के बालक 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के बाद शिक्षण में प्रवेश करते थे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में जो अंडरलाइन किए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। कमेंट कर दीजिएगा। आठ, 11 व 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के बाद शिक्षण संस्था में क्या करते थे? प्रवेश करते थे। शाइनिंग कर रहा है ना। 8, 11, 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के बाद शिक्षण संस्था में प्रवेश करते हैं। एक वेद जो है विद्या दोनों को स्थान दिया गया। एक वेद का अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। एक वेद के अध्ययन की अवधि क्या थी? 12 वर्ष थी। पाठ्यक्रम में परा आध्यात्मिक विद्या व अपरा लौकिक विद्या दोनों का स्थान दिया गया। पाठ्यक्रम में क्या किया गया कि परा आध्यात्मिक विद्या व अपरा लौकिक विद्या दोनों को स्थान दिया गया। शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी। उसे बोल के कराया जाता। शिक्षा पूर्ण होने पर छात्र मौखिक परीक्षा व शस्त्रार्थ के द्वारा उसकी विद्वता का आकलन किया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर मौखिक परीक्षा व शस्त्रार्थ के द्वारा जो है उसकी विद्वता का आकलन किया जाता था। पूर्ण हो जाने पर शिक्षा क्या किया जाता था? परीक्षा पूर्ण हो जाने पर शस्त्रार्थ के द्वारा, शस्त्र के द्वारा भी उसकी विद्वता आकलन किया जाता था, गणना किया जाता था। शिक्षण संस्थाएं जो थी, टोल, चरण घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ आदि थे। कौन कौन थे? टोल, चरण घटिका, चरण घटिका, परिषद, गुरुकुल, गुरुकुल वह कर देते। टोल, चरण घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ आदि थे। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा थी। इसके अतिरिक्त क्या थी? स्त्री शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा थी। सैनिक, वाणिज्य व चिकित्सा शिक्षा का भी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा थी। सैनिक, वाणिज्य व चिकित्सा शिक्षा का भी प्रचलन था। सैनिक, वाणिज्य व चिकित्सा शिक्षा का भी क्या था? प्रचलन था। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य तथा उसके आदर्श क्या थे? उद्देश्य क्या थे और आदर्श क्या थे? प्राचीन भारत में मोक्ष प्राप्त करना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के अनुसार जीवन तथा संसार की क्षण भंगुरता को समझाना तथा भौतिक सुख उनके लिए सारहीन था। क्या था? देखिए यहाँ, प्राचीन भारत में मोक्ष प्राप्त करना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के अनुसार जीवन तथा संसार की क्षण भंगुरता को समझना तथा भौतिक सुख उनके लिए सारहीन था। क्या था? सारहीन। सारहीन था, ठीक है। इसी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के आदर्श तथा उद्देश्य निर्धारित हुए। इसी दृष्टिकोण के अनुसार क्या हुआ? शिक्षा के आदर्श तथा उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए। ओके, वास्तविक ज्ञान व अनुभव। वास्तविक ज्ञान व अनुभव क्या था? देखिए यहाँ, वास्तविक ज्ञान व अनुभव। वैदिक काल में वास्तविक ज्ञान एवं अनुभव पर विशेष
बल दिया गया था। वैदिक काल में वास्तविक ज्ञान व अनुभव पर क्या किया गया था? विशेष बल दिया गया था। वेदों में वर्णित समस्त कार्य एवं क्रियाएं छात्रों को करनी होती थी, अर्थात वेदों में जो है वर्णित समस्त कार्य एवं क्रियाएं छात्रों को करनी होती थी। समस्त कार्य, समस्त काम और उसकी क्रियाएं जो है छात्रों को करनी होती थी, अर्थात देखिए यहाँ अर्थात शिक्षा का लक्ष्य जो था केवल ज्ञान पक्ष नहीं था, सिद्धांत पक्ष के साथ साथ अनुभव पक्ष भी महत्वपूर्ण था। कर्मकांड में अनुभव पक्ष को ही विशेष महत्व दिया गया। किस चीज में दिया गया? कर्मकांड में, कर्म कांड में, कर्म कांड में जो है अनुभव पक्ष को विशेष महत्व दिया गया। ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक विकास, वैदिक काल में धर्म, देखिए सेकंड नंबर क्या था, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का विकास। वैदिक काल में धर्म वरासन पर, वैदिक काल में धर्म वरासन पर जो है प्रतिष्ठित था, धर्म वरासन पर प्रतिष्ठित था। पुरोहित ही प्राय शिक्षक होते थे। पुरोहित क्या होते थे? प्राय शिक्षक हुआ करते। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। अतः शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। अतः शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? बालक में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था, छात्रों द्वारा विभिन्न व्रतों का पालन, नियमित संध्या एवं धार्मिक उत्सव, इन सब का लक्षण तरुण छात्रों के हृदय में ईश्वर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा, जिस टाइप की शिक्षा लीजिएगा, सब में संस्कार की व्यवस्था की गई थी। और क्या किया गया था? छात्रों द्वारा विभिन्न व्रतों का पालन करना भी था, नियमित था। छात्रों द्वारा विभिन्न वर्गों का पालन भी करना पड़ता था, नियमित संध्या, नियमित संध्या भजन आदि भी करना पड़ता था, एवं धार्मिक उत्सव भी मनाना पड़ता था। इन सब का लक्ष्य तरुण छात्रों के हृदय में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना की जड़ों को गहरी जमा देना था। इन सब में क्या था कि ईश्वर के प्रति जो है छात्रों को हृदय में जो है धार्मिकता की भावना की जड़ों को गहरा करना था, उनमें धार्मिकता की भावना को लाना था। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। थर्ड नंबर, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण कैसे किया जाता था? ये विशेष महत्व रखता है जीवन में चरित्र निर्माण। चरित्र जीवन की श्रेष्ठतम संपत्ति समझा जाता था। चरित्र जीवन की क्या किया जाता था? श्रेष्ठतम संपत्ति समझा जाता था। सबसे श्रेष्ठ वैदिक युगीन जो है भारतीयों का विश्वास था कि चरित्र निर्माण के अभाव में वैदिक विकास निरर्थक है। वैदिक युगीन जो है भारतीयों का विश्वास था कि चरित्र निर्माण के अभाव में वैदिक विकास क्या था? निरर्थक है। ठीक है, इन्होंने उन्होंने घोषित कर दिया था। क्या घोषित किया था? केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, फिर से रिपीट करते हैं। केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है। ठीक है, चरित्रहीन विद्वान हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन जो गायत्री मंत्र का ज्ञाता रखेगा वो जो है श्रेष्ठ कहा जाएगा। चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है कौन? ब्राह्मण समस्त वेदों के जो है ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ। केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण जो था वो समस्त वेदों का ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ गए आप लोग बच्चों? अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है देखिए यहाँ, फोर्थ नंबर व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास क्या है? व्यक्तित्व का विकास विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास जो है करना था। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का क्या करना था? विकास करना था। इस उद्देश्य
की प्राप्ति के लिए छात्रों में आत्मसम्मान की भावना का विकास, आत्मविश्वास को प्रोत्साहन, आत्मसंयम के महत्व पर बल दिया तथा न्याय एवं विवेक की शक्ति को जन्म देने की विधियों को अपनाया जाता था। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास किया जाता था, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना था, ठीक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों में आत्मसम्मान की भावना का विकास किया जाता था। क्या किया जाता था, देखिए यहाँ, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के जो है भावना का विकास किया जाता था, आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है, हेजिटेशन दूर किया जाता था, आत्मसंयम के महत्व पर बल तथा न्याय एवं विवेक की शक्ति को जन्म देने की विधियों को अपनाया जाता था। ठीक है, आत्मसंयम क्या है, अब हम लोग समझेंगे। क्या आत्मसंयम, आत्मसंयम ये पढ़ेंगे हम लोग। आत्मानुभूति प्राचीन शिक्षा का परम लक्ष्य था। आत्म अनुभूति क्या थी, प्राचीनतम शिक्षा का परम लक्ष्य था। आत्म अनुभूति प्राप्त करना सिद्धांत में तो कठिन है ही, किंतु व्यवहार पक्ष में तो असंभव ही है। आत्म अनुभूति प्राप्त करना सिद्धांत में तो कठिन है ही, ठीक है, सिद्धांत में कठिन है किंतु व्यवहार पक्ष में तो असंभव है। ठीक है, प्राचीन काल की आदर्शवादी शिक्षा में आत्म संयम प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पर संयम करना सिखाया जाता था। इंद्रियों पर क्या किया जाता था, संयम करना सिखाया जाता था, मतलब माइंड को कंट्रोल करके चलना, इस पर संयम करना। अगर हम लोग इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिए तो समझिए कि पूरी शरीर, पूरी बॉडी पर हम लोग कंट्रोल कर लिए। ठीक है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल कर इंद्रियों पर जो है आत्म कंट्रोल कराया जाता, आत्म संयम कराया जाता था। देखिए यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, आदर्शवादी शिक्षा में आत्म संयम प्राप्त करने इंद्रियों पर संयम करना सिखाया जाता था। हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक होती हैं, आध्यात्मिक प्रगति। इंद्रियां जो हैं अभी यहाँ रहेंगी बरेली में, फिर अभी अमेरिका चले जाएंगी, अभी बिहार चले जाएंगी, अभी आंध्रा चले जाएंगी, तो माइंड जो है घूमते रहता है। इसलिए इंद्रियों को जो है कंट्रोल करके, आत्म संयम करके, तब जो है कोई पढ़ाई पढ़ा जाता है और कोई शिक्षा ग्रहण की जाती है, और तब वो जो है इंद्रियां बाधक होती हैं, इसलिए आत्म संयम करना इंद्रियों को, तब आगे बढ़ना। हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक होती हैं, आत्म संयम के लिए इंद्रिय दमन आवश्यक है। इंद्रिय दमन क्या है, आत्मसंयम के लिए इंद्रिय को दमन किया जाता है, दबाया जाता है, इसलिए वो आवश्यक है। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सिक्स नंबर क्या है, देखिए यहाँ, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। ओके, ब्राह्मणीचारियों के में नागरिकता तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना को भरना था। ब्रह्मचारियों में क्या था, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना को भरना था, उनको वो कराया जाता था, उनको स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत न करने की शिक्षा दी जाती, उनको स्वार्थपूर्ण क्या किया जाता था, जीवन व्यतीत करने की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किसी को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश बहुत खराब चीज़ है, इसलिए सेल्फिश किसी को नहीं बनना चाहिए, स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीना। देखिए उसी प्राचीनतम समय से ही ये चीज़ चला आ रहा है, ठीक है, तो उस समय जो है ये क्या किया जाता था, उनको स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत न करने की शिक्षा दी जाती थी। शुल्क न मिलने पर भी वैदिक साहित्य का अध्यापन शिक्षकों व कर्तव्य बताया जाता था। शुल्क न मिलने पर भी वैदिक साहित्य का अध्यापन शिक्षकों का कर्तव्य बताया जाता था। इस प्रकार वैदिक शिक्षा व्यवस्था में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के देखते हैं क्या किया जाता था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, सेवन नंबर क्या है, देखिए यहाँ, सामाजिक कुशलता की उन्नति और इसके
फलस्वरूप सुख में वृद्धि करना था। सुख में क्या करना था? सामाजिक कुशलता की उन्नति और इसके सुख में क्या करना था? वृद्धि करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों तथा उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था करके की गई थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति शास्त्रों, व्यवसायों तथा उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था करके की गई थी। ठीक है, छात्रों के मानसिक विकास करने के साथ साथ उनको उन व्यवसायों की शिक्षा निश्चित रूप से प्रदान की जाती थी। किन व्यवसायों की शिक्षा? जिनको वे अपने भावी जीवन में अपनाना चाहते थे, जो भावी जीवन में अपनाना चाहते थे उनका भी विकास छात्रों को कराया जाता था। ठीक है, 8 नंबर, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय धरोहर, को संरक्षित करना, रखना बहुत जरूरी है, इसलिए राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा उसका प्रसार किया गया। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना भी था। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा उसका प्रसार करना भी था। उसको प्रसार का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? फैलाना, प्रचार करना। वैदिक काल में भारतीय अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक परंपराओं का संरक्षण करना परम कर्तव्य समझते थे। ठीक है, क्या करते थे? वैदिक काल में भारतीय जो है अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक परंपराओं का संरक्षण करना परम कर्तव्य समझते थे और इस दिशा में कार्य करने में सदैव संलग्न रहते थे। इस दिशा में कार्य करने में क्या रहते थे? सदैव संलग्न रहते थे, जुड़े रहते थे। यही कारण था कि प्रत्येक माता-पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र को क्या करता था? जो भी व्यवसाय करता था उसकी वो शिक्षा दिया करता था। प्रत्येक ब्राह्मण वेदों को कंठस्थ करता था। क्या करता था? कंठस्थ। प्रत्येक ब्राह्मण जो है वेदों को क्या करता था? कंठस्थ करता था। ठीक है, देखिए, कंठस्थ करता था। ठीक है, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीनतम शिक्षा का आदर्श एकाकी नहीं था। उपयुक्त विवेचन से क्या स्पष्ट होता है? कि प्राचीनतम शिक्षा का जो है व्यवस्था जो है आदर्श एकाकी नहीं था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। एकाकी नहीं था। ठीक है, आलोक का कथन है। आलोक का क्या कथन है? देखिए यहाँ, आलोक का कथन है, ठीक है, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक सामाजिक कर्तव्य का पालन, संस्कृति आरक्षण और प्रचार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य क्या थे बताइए? उद्देश्य क्या थे? ठीक है, तो प्राचीन भारत की शिक्षा का उद्देश्य क्या थे? सामाजिक कर्तव्य का पालन करना। क्या था? सामाजिक कर्तव्य का पालन करना, संस्कृति का आरक्षण, प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य थे। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था, संगठन। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था और संगठन क्या था? शिक्षा की व्यवस्था और उसका संगठन क्या था? प्राचीन भारत में 400 पूर्व ईस्वी पूर्व में पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। 400 वर्ष पूर्व में क्या थी? प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः बालक की शिक्षा का दायित्व तो जो है उसके परिवार पर ही था। उसके किस पर था? परिवार पर ही हुआ करता, फैमिली पर हुआ करता। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने शिक्षा देने कुछ ब्राह्मणों ने जो है शिक्षा देने की व्यवस्था की। ठीक है,
कार्य समाज में प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उसमें प्राथमिक व उच्च शिक्षा थी, उसमें प्राथमिक व उच्च शिक्षा थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा क्या थी? देखिए यहाँ, प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। प्राथमिक शिक्षा आरंभ की आयु 5 वर्ष हुआ करती। प्राथमिक शिक्षा की आयु कितना हुआ करती थी? 5 साल हुआ करती थी, 5 ईयर्स, 5 वर्ष, 5 वर्ष। और विद्या आरंभ संस्कार से प्रारंभ होती थी, विद्या आरंभ संस्कार से प्राप्त होती थी। यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य थी। यह सभी जातियों के बालकों के लिए क्या थी? अनिवार्य थी। ठीक है, यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य थी। इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। इस शिक्षा की जो है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। बालकों को कुछ वैदिक मंत्रों तथा का उच्चारण करने व बोलने सिखाया जाता था। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने व बोलने सिखाया जाता। इसके बाद साहित्य व व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। साहित्य व व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षण विधि मौखिक थी। कैसी थी? मौखिक। मौखिक हुआ करती थी। शिक्षण विधि कैसी हुआ करती थी? मौखिक हुआ करती थी। ठीक है, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या थी? प्रारंभ में प्राचीन काल में केवल प्राथमिक शिक्षा थी। प्रारंभ में प्राचीन काल में क्या थी? प्राचीनतम में जो है प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी। लेकिन सामाजिक प्रगति के साथ साथ उच्च शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई। लेकिन सामाजिक प्रगति जब हुई तो उच्च शिक्षा का भी अनुभव किया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य जाति को था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति को ही हुआ करता था। चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो अच्छा करे लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स ब्रेली।